तो कई सदियों से मार्शल पीक के मेनलैंड में एक कहानी चली आ रही थी जो कि एक लेजेंडरी किताब के ऊपर थी जिसे एंशिएंट डीमन एम्परर ने लिखा था। और ऐसा कहा जाता था कि एंशिएंट डीमन किंग उनकी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था जिसने मरने से पहले अपनी ज़िंदगी की सारी नॉलेज उस किताब में लिख दी थी और उस किताब को बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स के नाम से जाना जाता था, जिसे पढ़ने मात्र से ही एक इंसान के पास हेवन और अर्थ को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत आ जाती थी। और इस समय वो किताब इस एरा के मैजिक एम्परर के पास मौजूद थी जिसका नाम ज़ाओ ईफैन होता है, लेकिन कोई इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है कि वो लेजेंडरी बुक ईफैन के पास मौजूद है, जिससे मार्शल पीक के सभी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स उस बुक को हासिल करने के लिए ज़ाओ ईफैन के पीछे पड़ जाते हैं। इसी दौरान ज़ाओ ईफैन का डिसाइपल ज़ाओ चेंग वहाँ पर तेजी से भागते हुए आता है जो ज़ाओ ईफैन को बताता है कि उनकी मेन डिफेंस लाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है और 7 एम्परर कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, जिस पर ज़ाओ ईफैन चेंग को घबराने से मना करता है क्योंकि अगर खुद भगवान भी वहां पर उसका सामना करने आ गए तब भी वह उनसे नहीं हारेगा। लेकिन उससे ज्यादा ज़ाओ ईफैन को इस बात में दिलचस्पी होती है कि आखिर 7 एम्परर जैसे कमजोर लोग उसके डिफेंस लाइन को कैसे डिस्ट्रॉय कर पाए। तभी एक आवाज ज़ाओ ईफैन से उस बुक को उनके हवाले कर देने को कहती है, जिस पर ज़ाओ ईफैन को काफी गुस्सा आता है कि इन जैसे कीड़े मकोड़े लोग उसके घर पर आकर उसे धमका रहे हैं। इसलिए ज़ाओ ईफैन उन्हें अपनी ताकत का हल्का सा नमूना दिखाता है और एक ही झटके में उन आर्मी के सभी जनरल्स को मौत के घाट उतार देता है, जो देखकर 7 एम्परर्स खुद वहां पर आ जाते हैं जो ज़ाओ ईफैन को चुपचाप उस बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स को उनके हवाले कर देने को कहते हैं, जिस पर ज़ाओ ईफैन सॉर्ड एम्परर से कहता है कि मैं 8 रॉयल्स का लीडर हूं जिसे खुद हेवन ने चुना है और भले ही तुम लोग एक साथ मिल जाओ लेकिन तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। जिस पर सॉर्ड एम्परर ज़ाओ ईफैन से कहता है कि शायद से तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं पता है, तुम अभी पूरे सेक्टर के टारगेट हो और हम सब तुम्हें मिलकर जरूर हरा देंगे। तभी एक दूसरा एम्परर ज़ाओ ईफैन से चुपचाप बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स को उनके हवाले कर देने को कहता है क्योंकि वो बुक हॉलीलैंड की संपत्ति थी। और ज़ाओ ईफैन और एम्परर के बीच की टेंशन को बढ़ते देख चेंग को ज़ाओ ईफैन की चिंता होने लगती है, लेकिन तभी ज़ाओ ईफैन जोर जोर से हंसने लगता है और उनसे कहता है कि वो आज उन्हें और पूरे मार्शल पीक को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी कोई पीछे से ज़ाओ ईफैन पर हमला कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो शख्स चेंग होता है जिसने असल में एम्परर के साथ हाथ मिला लिया था और चेंग ही वो आदमी था जिसने बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स की इन्फॉर्मेशन भी एम्परर को दी थी, जो जानकर ज़ाओ ईफैन को काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने चेंग को बचपन से पाला था इसलिए उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि चेंग उसे धोखा देगा। तभी ज़ाओ ईफैन फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स को अपने साथ डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है, जिस पर एम्परर ज़ाओ ईफैन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है और ज़ाओ ईफैन खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके ख़त्म कर लेता है जिससे बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी बीच हम एक जंगल के बीच कुछ मरे हुए लोगों को देखते हैं। तभी ज़ाओ ईफैन की आत्मा एक लड़के की बॉडी में घुस जाती है और वो वापस जिंदा हो जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि ज़ाओ ईफैन ने मरने से पहले अपने आप को रिकार्नेट करने के लिए एक मैजिक स्पेल का यूज़ किया था जिससे वो इस नई बॉडी में जिंदा हो पाया। तभी ज़ाओ ईफैन को एक आदमी दिखाई देता है जो कि उस लड़के का साथी था, जहां पर ज़ाओ ईफैन देखता है कि वो आदमी कल्टीवेशन के सेकंड लेयर पर मौजूद होता है, इसलिए ज़ाओ ईफैन उस आदमी की पावर को अब्सॉर्ब करने का फैसला करता है और बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स की सीक्रेट टेक्निक ड्रेन हैंड का यूज करके उस आदमी की सोल और पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे वो आदमी मारा जाता है, जिसके बाद ज़ाओ ईफैन उस एनर्जी को अपनी बॉडी में सेटल करना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी ड्रेन हैंड टेक्निक सिर्फ उसे दूसरों की सोल और पावर को चुराने में ही मदद करती थी, लेकिन उसे उस एनर्जी को अपनी बॉडी के साथ कंपेटिबल बनाना होता था वरना वो एनर्जी ज़ाओ ईफैन को सोल को डैमेज कर सकती थी और उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में ज़ाओ ईफैन को पूरी रात लग जाती है। और ज़ाओ ईफैन उस एनर्जी को सेटल करने के बाद कल्टीवेशन की 5th लेवल पर पहुंच जाता है, जिस पर ज़ाओ ईफैन ये समझ जाता है कि उसे वापस से अपनी पूरी पावर हासिल करने में काफ़ी समय लगने वाला है और तब तक वो हॉलीलैंड नहीं लौट सकता था, इसलिए ज़ाओ ईफैन अपनी पावर जल्दी से बढ़ाने के लिए वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में ज़ाओ ईफैन को कुछ लोगों का एक ग्रुप दिखाई देता है जिनके बीच फाइट चल रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग लाओ फैमिली के आदमी थे, जहाँ पर लाओ फैमिली के सर्वेंट ने अपने ऑनर को धोखा दे दिया था ताकि वो लाओ फैमिली के सीक्रेट मटेरियल आर्ट्स को चुरा सके, लेकिन ज़ाओ ईफैन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी ज़ाओ ईफैन को अचानक से एक जोरदार हार्ट अटैक आता है जिससे उसकी जान जाते जाते बचती है, जिस पर ज़ाओ ईफैन काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर उसे अचानक से ये हार्ट अटैक क्यों आ रहा है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल थी। तभी ज़ाओ ईफैन को कुछ एहसास होता है
और वो तुरंत वापस से लव फैमिली के लोगों को देखने जाता है, जहाँ पर लव फैमिली की मिस्ट्रेस को देखते ही जॉई फैन का हार्ट अटैक रुक जाता है, जिससे जॉई फैन समझ जाता है कि यह सब मैजिक ऑफ हार्ट की वजह से हो रहा है। दरअसल मैजिक ऑफ हार्ट एक टाइप का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता था, जो कि मास्टर अपने सर्वेंट को कंट्रोल करने के लिए उस पर यूज करते थे, और यह पता लगाने के लिए कि आखिर जॉई फैन की बॉडी पर किस तरह का मैजिक ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जॉई फैन उस बॉडी की मेमोरीज को चेक करता है, जहां पर जॉई फैन को पता चलता है कि इस बॉडी के ओनर का नाम जॉ फैन होता है, जो कि एक अनाथ था और उसे बचपन में लव फैमिली ने अडॉप्ट किया था, और तब से वो उनके साथ ही रह रहा था और उनका काफी वफादार था। यहां तक कि जॉ फैन ने मिस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी, जिस पर जॉ फैन समझ जाता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट उस मिस्टर्स की जान से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर वो उस मिस्टर्स को मरने के लिए छोड़ देता है तो उसकी भी इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मौत हो जाएगी। इसलिए न चाहते हुए भी जॉ फैन उस मिस्टर्स की मदद करने का फैसला करता है, जहां पर सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि जॉ फैन अभी भी जिंदा है। तभी जॉ फैन देखता है कि उसके सभी ओपोनेंट्स सिक्स्थ लेयर के वॉरियर हैं और उनका लीडर सू गुआन जी काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर था, इसलिए अगर जॉ फैन उनसे लड़ने की कोशिश करता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए जॉ फैन मिस्ट्रेस को उन्हें वो मटेरियल आर्ट्स दे देने को कहता है ताकि वो उन्हें जिंदा छोड़ दे, पर मिस्ट्रेस इसके लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि वो मटेरियल आर्ट्स उसकी फैमिली का ट्रेजर था जिसकी कीमत उनकी जान से भी ज्यादा थी। तभी एक आदमी जॉ फैन पर हमला कर देता है जो सेवन लेयर का वॉरियर था, लेकिन जॉ फैन उस आदमी को एक झटके में मार देता है और मिस्ट्रेस और उसकी सिस्टर को लेकर वहां से भागने लगता है, जिस पर सुन गुआन जी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर लव फैमिली के गार्ड्स उनका रास्ता रोक देते हैं। इसी बीच हम जॉ फैन और मिस्ट्रेस को देखते हैं, जहां पर मिस्ट्रेस जॉ फैन को उन्हें यहीं पर छोड़ देने को कहती है ताकि जॉ फैन अपने साथियों की मदद करने जा सके, पर जॉ फैन इससे साफ इनकार कर देता है क्योंकि इससे वो लोग मारे जाएंगे, जो उसकी जान के लिए भी खतरनाक था। जो सुनकर मिस्ट्रेस की सिस्टर जॉ फैन को चुपचाप उनका ऑर्डर मानने को कहती है क्योंकि वो उनका नौकर था, जिस पर जॉ फैन मिस्ट्रेस की सिस्टर को पीटकर साइड में कर देता है और मिस्टर से किसी सेफ एरिया के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर जॉ फैन को ब्लैक माउंटेन के चीफ के बारे में बताती है जो कि उसके फादर का एक काफी अच्छा दोस्त था और वो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें फॉरगॉटन फॉरेस्ट से गुजरना था जो कि पूरी तरह से कोहरे से घिरा हुआ था, जिस पर जॉ फैन को एक आइडिया आता है और वो उस फॉरेस्ट का यूज सुन गुआन जी और उसके ग्रुप को मारने के लिए करने का प्लान बनाता है, पर मिस्ट्रेस जॉ फैन के प्लान को फॉलो करने से मना कर देती है और जॉ फैन से उसे और उसकी सिस्टर को ब्लैक माउंटेन के चीफ के पास ले जाने को कहती है, जिस पर जॉ फैन मिस्ट्रेस को धमकी देता है कि अगर वो उसके प्लान को फॉलो नहीं करेगी तो वो उसकी छोटी सिस्टर को मार देगा, जिस पर मिस्ट्रेस के पास जॉ फैन की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। इसी बीच जॉ फैन फॉरगॉटन फॉरेस्ट में जाकर बुक ऑफ नाइन सीक्रेट्स की एक टेक्निक का यूज करके उस फॉरेस्ट में मौजूद पूरे कोहरे को गायब कर देता है, जो देखकर मिस्ट्रेस काफी हैरान थी क्योंकि जॉ फैन ने उस कोहरे को हटाने के लिए एक एरे फॉर्मेशन का यूज किया था जो कि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से काफी गुना ऊपर के लेवल की थी, पर जॉ फैन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद हम सुन गुआन जी और उसके ग्रुप को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि मिस्ट्रेस और जॉ फैन फॉरगॉटन फॉरेस्ट की तरफ गए हैं, इसलिए वो भी उनका पीछा करते हुए फॉरगॉटन फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि जॉ फैन पहले से ही वहां पर उनका इंतजार कर रहा था, जिसके बाद जॉ फैन उन्हें दो रेड रोप्स दिखाता है जिनमें से एक रोप के एंड पर मिस्ट्रेस और उसकी सिस्टर मौजूद थी, और वो सुन गुआन जी से कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ने की गारंटी देते हो तो मैं तुम्हें खुद मिस्ट्रेस और उसकी सिस्टर के पास ले जाऊंगा और तुम्हें फालतू में इस जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। जो सुनकर सुन गुआन जी काफी कंफ्यूज था कि आखिर जॉ फैन लव फैमिली को क्यों धोखा देगा, जिस पर जॉ फैन सुन गुआन जी से कहता है कि लव फैमिली लगभग तबाह होने की कगार पर पहुंच गई है और उसे फ्यूचर में लव फैमिली से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए जॉ फैन मिस्ट्रेस और उसकी सिस्टर को सुन गुआन जी को देना चाहता था ताकि उसका फ्यूचर सेट हो सके, जिस पर सुन गुआन जी जॉ फैन के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग जॉ फैन को फॉलो करने लगते हैं, जहां पर जॉ फैन अचानक से एक जगह पर रुक जाता है और उनसे कहता है कि वो आज यहीं पर उनकी समाधि बनाने वाला है, जो सुनकर सुन गुआन जी जॉ फैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो बस एक इल्यूजन था और जॉ फैन उन्हें उस फॉरेस्ट के बीच में छोड़कर भाग गया था, जिस पर वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन तभी सुन गुआन जी देखता है कि उनके आसपास के कोहरे का रंग लाल होने लगा था, लेकिन इससे पहले कि सुन गुआन जी अपने लोगों को इसके बारे में वार्न कर पाता वो सभी वहां से गायब हो जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि यह सब जॉ फैन अपने एरे फॉर्मेशन की मदद से कर रहा था, जिसके बाद जॉ फैन अपने बुक ऑफ नाइन सीक्रेट्स के एक स्पेशल टेक्निक
गोस्ट रोल का यूज करके सुन गुआंजी और उसके साथियों पर हमला कर देता है, जिससे वो लोग एक एक करके अजीब से गोस्ट रेंजर के हाथों मारे जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जॉ फैन का असली प्लान कुछ और होता है और वो उन गोस्ट सोल्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे जॉ फैन की कल्टीवेशन लेवल लगातार बढ़ने लगती है और वो स्ट्रेंथ गैदरिंग लेवल पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर मिस्ट्रेस और उनका गार्डियन आ जाते हैं, जहां पर पैंग जॉ फैन से माफी मांगता है क्योंकि पैंग पहले जॉ फैन को काफी बुरा भला कह रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि असल में जॉ फैन मिस्ट्रेस की मदद कर रहा है। जहां पर जॉ फैन देखता है कि पैंग एक काफी ज्यादा लॉयल आदमी है और अगर उसका डिसाइपल चैंग भी पैंग की तरह ईमानदार होता तो शायद से जॉ फैन सेवन एम्परर्स के हाथों कभी नहीं हारता। तभी जॉ फैन मिस्ट्रेस से पूछता है कि आखिर वो लोग कहां जा रहे हैं, जिस पर पैंग जॉ फैन को बताता है कि वो लोग अभी पैंग सिटी के साई फैमिली से मिलने जा रहे हैं ताकि वो साई फैमिली में मिस्ट्रेस की शादी करा सके, क्योंकि साई फैमिली और लॉ फैमिली एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। जिस पर जॉ फैन को एक आइडिया काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो एक बार मिस्ट्रेस की करा देगा तो उसके ऊपर चढ़ा हुआ मैजिक हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए जॉ फैन उन लोगों के साथ फैंग सिटी जाने का फैसला करता है और वो लोग कुछ समय के ट्रैवल के बाद फैंग सिटी पहुंच जाते हैं, जिस पर जॉ फैन अपने किसी जरूरी काम से कहीं पर जाने लगता है, जो देखकर मिस्ट्रेस का भाई जॉ फैन को फिर से बुरा भला कहने लगता है, जिस पर जॉ फैन फिर से मिस्ट्रेस के भाई को पेल देता है, जिसके बाद मिस्ट्रेस अपने भाई के साथ साई फैमिली से मिलने चली जाती है और जॉ फैन पैंग के साथ उस सिटी में घूमने लगता है। और उस सिटी में घूमते वक्त जॉ फैन को एक शोर सुनाई देता है, जहां पर जॉ फैन देखता है कि एक शॉपकीपर और एक लड़की के बीच जेड स्टोन को लेकर लड़ाई हो रही थी, क्योंकि उस लेडी का कहना था कि जेड स्टोन नकली है, लेकिन उस लेडी के पास इस बात को प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं था, जिस पर जॉ फैन सभी से कहता है कि वो इस बात को प्रूफ कर सकता था। और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए जॉ फैन उस जेड स्टोन को एक एसिडिक वाटर में डाल देता है, जिस पर उस स्टोन का कलर छूटने लगता है, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि वो जेड स्टोन नकली था, जो देखकर सभी ग्राहक उस दुकानदार को उन्हें चूना लगाने के लिए उसे पीटने लगते हैं और वो लेडी जॉ फैन को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया करती है। और जॉ फैन देखता है कि वो लेडी काफी ज्यादा अजीब थी, जिसके बाद जॉ फैन वापस से उस शॉपकीपर से मिलने जाता है, जो जॉ फैन पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से उसका धंधा चौपट हो गया था। इसलिए वो शॉपकीपर जॉ फैन को मजा चखाना चाहता था, पर जॉ फैन उस शॉपकीपर से कहता है कि वो बस वहां पर उससे एक डील करने आया है, जहां पर जॉ फैन उस शॉपकीपर को उस स्टोन के बदले काफी सारे पैसे देने का वादा करता है, लेकिन वो शॉपकीपर जॉ फैन के ऑफर को लेने से रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो बस जॉ फैन से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। जहां पर कई सारे लोग जॉ फैन पर हमला करते हैं, लेकिन जॉ फैन एक झटके में उन सभी लोगों को मारकर उस स्टोन को हासिल कर लेता है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो स्टोन कोई मामूली स्टोन नहीं था, बल्कि उस स्टोन को ब्लड स्टोन कहा जाता था, जो कि काफी रेयर होते थे क्योंकि वो स्टोन एक फेरी के ब्लड को हजारों सालों तक क्रिस्टलाइज करने के बाद बनता था। और जॉ फैन उस क्रिस्टल की मदद से एक ब्लड बेबी को क्रिएट करना चाहता था, क्योंकि एक एडल्ट ब्लड बेबी की पावर लेवल 7 एम्प्रेस के लेवल पर होती थी, लेकिन ब्लड बेबी काफी ज्यादा रेयर होते थे, इसलिए पूरे हेवन और अर्थ पर आज तक कुछ ही लोग एक ब्लड बेबी को अपना पेट बना पाए थे। इसलिए जॉ फैन काफी लकी था कि वो अपनी इस लाइफ में एक ब्लड क्रिस्टल हासिल कर पाया था, जिसके बाद जॉ फैन अपने ब्लड की मदद से उस क्रिस्टल को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा समय लग रहा था क्योंकि जॉ फैन को एक ब्लड बेबी को क्रिएट करने के लिए उस क्रिस्टल पर तब तक अपना ब्लड ड्रॉप करना था जब तक उसकी सोल उस क्रिस्टल के साथ कंबाइन न हो जाए, पर इसमें काफी समय लग रहा था जिस वजह से जॉ फैन का काफी ब्लड लॉस हो जाता है और ब्लड लॉस से उसकी मौत होने वाली होती है, लेकिन वो इस प्रोसेस को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि ऐसा करने पर वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता। इसलिए जॉ फैन अपने आखिरी दम तक उस क्रिस्टल पर अपना ब्लड गिराता रहता है और इन द एंड वो एक ब्लड बेबी क्रिएट करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद जॉ फैन मिस्ट्रेस से मिलने जाने का फैसला करता है, जहां पर जॉ फैन देखता है कि पैंग पिछले 10 दिनों से उसके घर की प्रोटेक्शन कर रहा था ताकि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। और यह देख जॉ फैन फैसला करता है कि जब वो अपनी पूरी पावर वापस हासिल कर लेगा तो वो पैंग को काफी बड़ा इनाम देगा, जिसके बाद वो दोनों साई फैमिली के बेस पर जाते हैं, जहां पर साई फैमिली के गार्ड्स जॉ फैन और पैंग से काफी ज्यादा बदतमीजी से पेश आते हैं, जो देखकर जॉ फैन समझ जाता है कि वो लोग मिस्ट्रेस और उसके भाई को काफी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। और जॉ फैन का शक बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि साई फैमिली वालों ने मिस्ट्रेस के भाई को जानवरों वाले घर में रखा हुआ था, जो देखकर जॉ फैन को साई फैमिली पर काफी गुस्सा आता है और वो मिस्ट्रेस को लेकर वहां से जाने का फैसला करता है। इसी दौरान हम मिस्ट्रेस का सीन देखते हैं, जहां पर साई फैमिली का प्रिंस ज़ियाउटिंग मिस्ट्रेस से शादी करने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता था, जिस पर मिस्ट्रेस ज़ियाउटिंग को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि बिना साई फैमिली के सपोर्ट के लाओ फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती, पर प्रिंस को इससे कोई मतलब नहीं होता है और प्रिंस की गर्लफ्रेंड मिस्ट्रेस
सिस्टर्स को एक थप्पड़ मारकर साइड कर देती है, जो जॉ फैन देख लेता है और इसके बदले प्रिंस और उसकी गर्लफ्रेंड को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और मिस्ट्रेस को वहां से लेकर जाने लगता है, जिस पर प्रिंस मिस्ट्रेस को धमकी देता है कि अगर मिस्ट्रेस और उसका बटलर अपनी इस हरकत के लिए उनसे माफी नहीं मांगेंगे तो वह उनकी पूरी लव फैमिली को यहीं पर मरवा देगा। और यह मैटर और ज्यादा न बढ़े इसलिए मिस्ट्रेस उन दोनों से माफी मांगने लगती है, पर तभी जॉ फैन तेजी से आगे बढ़कर उन दोनों का सर जमीन में घुसा देता है और उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों के सामने झुककर माफी मांगूं, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। जिसके बाद जॉ फैन उन्हें बुरी तरह पीटने लगता है। तभी वहां पर साई फैमिली के हेड आ जाते हैं, जिस पर प्रिंस अपने फादर से जॉ फैन को सबक सिखाने को कहता है, जो कि 8th लेवल के वार्डर थे। पर जॉ फैन साई फैमिली के लीडर को देखते ही उनके कल्टीवेशन लेवल को जान जाता है, जिस पर साई फैमिली के लीडर समझ जाते हैं कि जॉ फैन को नॉर्मल बंदा नहीं है, इसलिए वो मिस्ट्रेस और जॉ फैन को उनसे माफी मांगने का एक आखिरी मौका देते हैं। पर जॉ फैन उनकी बात को टाल देता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन साई फैमिली के लीडर इस अटैक को आसानी से रोक लेते हैं। पर हम देखते हैं कि जॉ फैमिली के अटैक का रियल टारगेट साई फैमिली का हेड नहीं बल्कि प्रिंस था, और जॉ फैन साई फैमिली के हेड को प्रिंस को जान से मारने की धमकी देता है, जिस पर साई फैमिली के लीडर जॉ फैन और मिस्ट्रेस को वहां से चुपचाप जाने देते हैं। लेकिन इससे प्रिंस की गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो जॉ फैन को मजा चकाना चाहती थी, जहां पर हमें पता चलता है कि प्रिंस की गर्लफ्रेंड यूफाई असल में 7 इंपीरियल फैमिली में से एक थी और वो अपने एल्डर की मदद से जॉ फैन को मजा चकाना चाहती थी। जिसके बाद हम जॉ फैन और मिस्ट्रेस को देखते हैं, जहां पर जॉ फैन मिस्ट्रेस से 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्ट्रेस जॉ फैन को बताती है कि इंपीरियल फैमिली पूरे TNU रीजन पर कंट्रोल करती है और इंपीरियल फैमिली ने TNU रीजन को 7 सेक्टर में बांट रखा था, जिन पर 7 फैमिलीज रूल करती थी और उनके ही अलायंस को 7 इंपीरियल फैमिलीज कहा जाता था। पर मिस्ट्रेस काफी कंफ्यूज थी कि जॉ फैन अचानक से उसे 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में क्यों पूछ रहा है, जिस पर जॉ फैन मिस्ट्रेस को बताता है कि उसने प्रिंस की जिस गर्लफ्रेंड को मजे मजे में पीटा था वो असल में 7 इंपीरियल फैमिलीज में से एक की मेंबर है, जो सुनकर मिस्ट्रेस काफी घबरा जाती है और तुरंत जॉ फैन को उसके साथ यूफाई से माफी मांगने चलने को कहती है, क्योंकि वो लोग किसी भी हालत में 7 इंपीरियल फैमिली में से किसी का भी सामना नहीं कर सकते थे। जिस पर जॉ फैन मिस्ट्रेस से पूछता है कि क्या फैंग सिटी में 7 इंपीरियल फैमिली में से कोई फैमिली मौजूद है कि नहीं, जिस पर मिस्ट्रेस जॉ फैन को क्वेलंग पवेलियन के बारे में बताती है, जो कि 7 इंपीरियल फैमिली का हिस्सा था, जो TNU किंगडम के ट्रेड पर ध्यान देते थे, जिस पर जॉ फैन मिस्ट्रेस को उसके साथ क्वेलंग पवेलियन चलने को कहता है ताकि वो उनके साथ एक अलायंस बना सके। लेकिन जब वो लोग क्वेलंग पवेलियन पहुंचते हैं तो क्वेलंग पवेलियन के गार्ड्स उनका रास्ता रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्ट्रेस और उनके साथी कोई भिखारी हैं, जिस पर जॉ फैन वहां पर हंगामा करने लगता है, जो सुनकर क्वेलंग पवेलियन से एक लेडी बाहर आती है, जो कि वही लेडी थी जिससे जॉ फैन फैंग सिटी के मार्केट में मिला था, और उस लड़की का नाम लॉन्ग नुई होता है, जो जॉ फैन से उनके वहां आने का कारण पूछती है, जिस पर जॉ फैन उसे बताता है कि वो यहां पर क्वेलंग पवेलियन के मास्टर से मिलने आया है ताकि वो उन्हें कुछ बेच सके, जिस पर लॉन्ग नुई पहले उस चीज को देखने का फैसला करती है, जिस पर जॉ फैंग लॉन्ग नुई को अपने हाथों से ड्रॉ किया हुआ एक पेपर दिखाता है, जिसे देखकर लॉन्ग नुई जॉ फैन को उस पेपर के बदले 1,00,000 स्पिरिचुअल स्टोन देने का ऑफर रखती है, पर जॉ फैन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उस पेपर की कीमत इससे काफी ज्यादा थी, जिस पर लॉन्ग नुई जॉ फैन को 3,00,000 स्पिरिचुअल स्टोन देने को तैयार हो जाती है और मिस्ट्रेस को इस डील को फाइनल करने के लिए मस्का लगा रही होती है, पर जॉ फैन उस पेपर को लॉन्ग नुई को बेचने से मना कर देता है क्योंकि लॉन्ग नुई उसकी असली कीमत नहीं जानती थी। जिसके बाद जॉ फैन लॉन्ग नुई से उसे पवेलियन के हेड से मिलने देने को कहता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट का सही प्राइस हासिल कर सके, जिस पर लॉन्ग नुई पवेलियन के हेड को वहां पर बुलाकर लाती है, जिनका नाम लॉन्ग जू था और उनकी पावर साई फैमिली के हेड के मुकाबले अलग ही लेवल पर होती है। जिसके बाद लॉन्ग जू खुद उस पेपर को चेक करने लगते हैं और उस पेपर को एक बार देखने के बाद ही जॉ फैन को उस पेपर के बदले 1.8 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देने को तैयार हो जाते हैं, जो सुनकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर एक पेपर की इतनी ज्यादा कीमत कैसे हो सकती है, जिस पर बस कुछ ड्रॉइंग ही बनी थी। पर जॉ फैन लॉन्ग जू के ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि यह प्राइस भी उसके प्रोडक्ट के लिए काफी कम था, पर लॉन्ग जू जॉ फैन से कहते हैं कि वो फिलहाल उस पेपर के बदले जॉ फैन को सिर्फ 1.8 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन ही दे सकते हैं, जो सुनकर जॉ फैन उस डील को कैंसिल करके वहां से जाने लगता है, जिस पर लॉन्ग जू जॉ फैन को धमकाने की कोशिश करते हैं, पर जॉ फैन इससे नहीं डरता क्योंकि वह जानता था कि लॉन्ग जू
उसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेलंग पवेलियन एक ट्रेड सेंटर था और अगर वो अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करेंगे तो इससे मार्केट में उनकी काफी बदनामी होगी। और जाओ फैन की इस समझदारी को देखकर लॉन्ग जू जाओ फैन से काफी इंप्रेस हो जाते हैं और उससे उस पेपर की कीमत पूछते हैं, जिस पर जाओ फैन लॉन्ग जू से उस पेपर के बदले 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन की डिमांड करता है, जिस पर लॉन्ग जू जाओ फैन को पैसे किस्तों में देने का फैसला करते हैं। साथ ही तब तक उनकी फैमिली लाओ फैमिली को प्रोटेक्ट करने का वादा करती है, जिसके साथ ही उनकी डील खत्म हो जाती है। पर लॉन्ग नुई काफी कंफ्यूज थी कि आखिर लॉन्ग जू ने उस पेपर के बदले जाओ फैन की डील क्यों एक्सेप्ट कर ली, जिस पर लॉन्ग जू लॉन्ग नुई को बताते हैं कि जाओ फैन कोई मामूली बंदा नहीं है, क्योंकि वो जो पेपर लेकर आया था उसमें एक एंशिएंट एरे फॉर्मेशन की डिटेल्स लिखी हुई थी, जिसकी रियल कीमत 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज्यादा थी। और उन्हें यकीन होता है कि लॉ फैमिली फ्यूचर में काफी ज्यादा बड़ी फैमिली बनने वाली है, इसलिए वो लॉ फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते थे, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।